अस्सलाम वालेकुम। डीजे के टैलेंट गॉड विलो पे जाने से तमाम व्यूअर्स को, तो आज व्यूअर्स के लिए जो वीडियो लेके आए हैं वो भी गोट फार्मिंग के हवाले से। ये जो नए गोट फार्मिंग करना चाहते हैं उनके हम दो तीन वीडियो से मालूमात दे रहे हैं, तो आज इंशाल्लाह एक मालूमात है वो आपसे शेयर करेंगे। तो नए आने वाले भाई से गुजारिश है लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें, और हमारी गुजारिश है हमारी वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें। तो चलिए व्यूअर्स शुरू करते हैं वीडियो। तो व्यूअर्स हम आपको बताएंगे कैसे आप गोट फार्म अपना कामयाब कर सकते हैं। तो आज हम आपको जो टिप देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं आप जानवर परचेस के हवाले से। तो जो भी भाई गोट फार्मिंग का शौक़ रखते हैं, गोट फार्मिंग करना चाह रहे हैं, तो वो उन्हें चाहिए कि वो जिस भी किसकी फार्मिंग कर रहे हैं, बकरा हो गया, बकरी हो गई, दुम्बा हो गया, दुम्बी हो गई, या गाय बछड़ा, जिसकी फार्मिंग कर रहे हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो जानवर कहाँ से परचेस करें। हम बताएंगे उन्हें कि वो जानवर कहाँ से लें और किधर से लें, क्या चीज़ देखनी जानवर में, वो इंशाल्लाह वो इन्फॉर्मेशन हम देंगे। तो व्यूअर्स सबसे पहले आपने करना है, आपने अपने इलाकों की मंडियों के विज़िट करना है। जिस भी आप शहर, गांव, देहात, जहाँ जहाँ भी रहते हैं आप, वहाँ के आप मंडी विज़िट करें, ठीक हो गया। आप जब मंडी विज़िट करेंगे तो आपको बखूबी रेट का भी अंदाज़ा हो जाएगा, और आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके जो करीबी मंडियाँ लगती है वहाँ पर कौन सी ब्रीड की ज़्यादा डिमांड है। तो जिस ब्रीड की डिमांड ज़्यादा हो अगर आप उसी ब्रीड पे काम करें। इसके अलावा आपने जानवर जब परचेस करना है तो उसमें क्या क्या चीज़ नोट करनी है वो भी आपको बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि जानवर आपने ला के कहाँ रखना है, किस तरीके से रखना है, क्या उनके साथ ट्रीटमेंट करनी है। तो व्यूअर्स आपने जानवर अपनी मंडी से, जो आपके इलाके में मंडियाँ लगती है वहाँ से परचेस करें, ठीक हो गया। तो जानवर में आपने देखना है कि जानवर आप जो खरीद रहे हैं उसमें कोई बीमारी तो नहीं है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि इसमें कोई बीमारी है या नहीं, तो इसके लिए हम कुछ टिप देंगे आपको। तो इंशाल्लाह आप वो टिप पे जब नोट करेंगे, हमारी बात पे अमल करेंगे, तो आपको फ़ायदा होगा। तो आपने जो जानवर खरीद के टाइम चीज़ें नोट करनी है वो ये है कि आपने सबसे पहले देखना है कि जानवर की दुम खड़ी होनी चाहिए, ठीक हो गया। जानवर की दुम खड़ी होगी तो उसको कोई बीमारी का मतलब पेट से मुतालिक कोई बीमारी नहीं है उसको, यानी वो महीने वगैरह सही कर रहा होगा, फिटनेस भी अच्छी होगी उसकी। इसके अलावा आपने देखना है कि जानवरों की आंखों से पानी ना आ रहा हो। जानवर की आंखों से पानी आ रहा हो तो जानवर के पेट के अंदर कीड़े वगैरह होते हैं, इससे आंखों में पानी आता है, नाक भेरी होती है, ठीक है, ये चीज़ें ना हो। और दूसरी चीज़ है कि मुंह के पास से आपने देखना है कि इस तरफ, ये हम दिखा रहे हैं, ये इस तरफ मेरा अंगूठा दिख रहा है, इस तरफ छाले ना हो या जख्म ना हो, नाक ना भेरा हो और मुँह में छाले ना हो, इस चीज़ का आपने बिल्कुल ख्याल करना है जानवर परचेस करते टाइम, ठीक हो गया। ये छोटी छोटी चीज़ें आपने देखनी है, लंगड़ा ना हो कैसे, कोई उसके अंदर रेब ना हो, कान कटे हुए ना हो, बड़े बड़े कान का ले रहे हैं आप, जो भी किसी भी कान का किसी भी कोई भी शौक कर रहे हो, जैसे बछड़ा भी ले रहे हैं, तो यही चेक करना है आपने, उसमें कोई नुक्स ना हो। इसके अलावा आप जो चेक करना है उसमें उसकी जो फिटनेस है, उसकी कोई खाल वगैरह पे कोई दाने वगैरह तो नहीं है, कोई ज़ख्म तो नहीं है, ऐसा जानवर आप हरगिज़ ना खरीदें, ठीक हो गया। उसके बाद जब आप जानवर को अच्छी तरह से देख लें, मुतमैन हो जाए, तो खरीदें। तो फिर आप जब जानवर मंडी से घर पर लेकर आएंगे या फार्म में लेकर आएंगे, तो आपने उस जानवर को अपने दूसरे जानवरों से अलग ही रखना है। तो आप अलग उसको क्यों रखना है, क्योंकि तो जब मंडी से हम जानवर लेके आते हैं तो हमें नहीं पता कि उसके अंदर कौन से वायरस है, कौन सी बीमारी है, क्या है। हम बाहर तो उसको देख के लेकर आ गए हैं सही, लेकिन अल्लाह नहीं करे कोई ऐसा वायरस वगैरह हो, कोई ऐसी बीमारी हो, तो वो आपके दूसरे जानवरों को भी ख़राब करेगा। तो आपने उस जानवर को कम से कम 4 से 5 दिन के लिए बिल्कुल अलग सेपरेट रखना है, ठीक हो गया। अभी बस इसके बाद आपने उस जानवर को जब आप 4-5 दिन अलग रखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा जानवर फट है, तो फिर आप भले अपने रेवड़ में उसको मिस करें, तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ख्याल करें कि जानवर जब भी आप नया लेके आए, ऑनलाइन लें, और हमारा तो मशवरा ये है कि ऑनलाइन ना ही खरीदे तो बेहतर है। तो ख़ासतौर पर हमारे कराची वाले भाई से गुजारिश है कि ऑनलाइन जो काम कर रहे हैं कि भाई इसके ऊपर बहुत एहतियात करें, क्योंकि अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं। हम ये नहीं बोलते कि पंजाब वाले ख़राब कर रहे हैं या सिंध वाले कर रहे हैं, भाई अच्छे बुरे हर जगह लोग हैं, लेकिन जो आदमी पैसा लगा रहा है तो वो उसकी कुछ जिम्मेदारी है कि वो अपना पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट करें, ठीक हो गया। व्यूअर्स तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आती होगी, तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो हमें कमेंट में भी आगाह करें। तो व्यूअर्स हमने ये कुछ गोट फार्मिंग के हवाले से आपको जो टिप दी है, आप इस पर इंशाल्लाह अमल करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। तो आज फिर कराची का मौसम माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है। दिखाते हैं व्यूअर्स को कि बारिश कैसी हो रही है।
ये देखें विवर, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, रहमत बरसरी है रब की। ये देखें बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त तेज़ बारिश है, कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा है बारिश को, लेकिन बहुत तेज़ बारिश हो रही है हम बता रहे हैं आपको। तो ये कुछ हमारे भी चौक में जो हमने ये केज बनाया हुआ है, तो इसकी भी कुछ लीकेज कहीं से हो रही है, तो ये भी थोड़ा थोड़ा पानी यहाँ पर जमा हो गया है, तो अभी हम कुछ इसको साफ़ करते हैं। तो व्यूअर्स, हम हमारी वीडियो आज की यहीं पर क्लोज करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट में ज़रूर आगाह करें। तो अभी हमारे जो टॉपिक चल रहा है वो नए गोट फार्मिंग के हवाले से ही चल रहा है, तो नए गोट फार्म जो बनाना चाह रहे हैं भाई, वो हमारी बातों पर अमल करें और हमें दुआओं में याद रखें। तो इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।